हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए मार्केट में हो रही है जबरदस्त गिरावट यहां पर अगर एक साल की बात करेंगे तो एक साल पहले जहां पर 18000 से ऊपर यहां पर हमारा निफ्टी चला करता था ओके okay, आज की डेट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 18000 से पर नीचे यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और लगभग लगभग 15000 तक आ गया और जैसे कि हमारे टारगेट मैंने अभी एक वीडियो बनाई है और मैंने उसमें बताया कि चौदह लगभग दो फोर्टीन थाउजेंड तक निफ्टी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है तो लगभग लगभग चालीस अच्छा खासा मतलब बात करें

जम्प देखी जाती है ओके okay, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 2007 में यहां दो हजार सात में यहां पर जब, जब टॉप पे मार्केट चल रहा था उसके बाद 2008 में जब मार्केट मार्केट गिरा तो लगभग हाफ यहां पर मार्केट आता हुआ दिखाई दिया था ओके okay, सेम इसी तरीके की गिरावट होती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद जब रिबाउंड हुआ ओके okay, तो आप यहां पर देख सकते हैं दो हजार आठ में जिसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीरियड में इन्वेस्ट किया वो आज की डेट में यहाँ पर करोड़पति ओवर दस से बारह साल के अंदर अंदर पंद्रह साल के अंदर अंदर बना बैठा हुआ है तो याद रखिए हर एक गिरावट यहाँ पर आपको करोड़पति बनने का मौका देती है तो ऐसी ही यहाँ पर जो आपने थंबनेल देखा है कि ये गिरावट आपको करोड़पति बना सकती है तो रियली ये गिरावट आपको करोड़पति बना सकती है बट आपको ऐसे स्टॉक चुनने होंगे जो कि यहाँ पर आपको वो चीज देख भी चुके हैं और यहाँ पर करोड़पति बनने की काबिलियत रखते हैं तो मैं एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ तो इसमें आज मैं निफ्टी फिफ्टी के यहाँ पर पांच स्टॉक ऐसे लेके आया हूं जो आपको हर एक गिरावट में निफ्टी फिफ्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी के ऐसे पांच स्टॉक जो आपको यहाँ पर हर एक गिरावट में करोड़पति पर बना सकते हैं और इस गिरावट में तो तो ऑब्वियसली बनाते हुए नजर आएंगे मेंसेंट तो तक की यहाँ पर गिरावट हो चुकी है एक अच्छा मौका है और टेन गिर जाता है थर्टी की गिरावट हो जाएगी और उसके बाद जब यहाँ पर मार्केट रिबाउंड होगी जब मार्केट ऊपर जाएगी तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो चाहे गिरावट किसी भी वजह से हो जैसे कि यहाँ पर बातें चल रही है इन्फ्लेशन की, यहाँ पर बात चल रही रिसेशन की, बट जब मार्केट यहाँ पर एक रीजन की वजह से गिरती हुई नजर आ रही है और जब मार्केट भागती हुई नजर आएगी और भारत के तो डिक, तो रिटर्न नहीं मिले उससे ज्यादा रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनेगा बट आपको अच्छे खासे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ऐसे ही पांच शेयर से रिलेटेड बना के दे रहा हूँ जो आपको अच्छा रिटर्न देने की दे तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं But before the video में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, Invest Forever को सब्सक्राइब कर को हिट कर कर लीजिए लीजिए ताकि जब भी हम डालें पहले जिस स्टॉक से रिलेटेड करने वाला हूँ उसमें सबसे पहले नाम आता है बजाज फाइनेंस का बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं हिस्ट्री लेके चला ऐसे तो निफ्टी फिफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपको यहां पर पता ही है बट स्टिल पर ओवरऑल देखेंगे तो चौरानवे हजार परसेंट के यहाँ पर रिटर्न मिले हैं ओवर 2002 से अभी तक यहाँ पर देखेंगे पैंतीस अंदर -अंदर, रुपए पर ये पे चलता था अपने पीक पर और पीक पर पैंतीस बाद, बाद कितना आधा होता हुआ नजर आया था ये शेयर पैतीस वाला शेयर यहाँ पर ग्यारह रुपए तक आता दो हजार में आप देखेंगे ग्यारह रुपए फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा यहाँ पर गिरावट हुई थी और यही गिरावट यहां पर भी दिखाई दी थी और उसके बाद

किस वजह से यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड बातें की जा रही है क्योंकि ये शेयर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नजर आता है बजाज फाइनेंस यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर इसके फाइन इसका ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगातार ईपीएस में जंप है ईपीएस सत्रह रुपए का यहाँ पर एक तो सौ का हो गया है और शेयर जो प्रमोटर्स है एज इट इज यहाँ पर शेयर बने हुए और यहाँ पर मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ कि अगर मार्केट में और गिरावट होती है तो कहाँ तक ये शेयर आ सकता है और किस लेवल पर यहाँ पर खरीदना चाहिए वो यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए ये एक सपोर्ट नजर आता है अगर ये सपोर्ट आज का जो है इसका लो था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का 520 रुपए का ये अगर गिरता है तो सीधे यहाँ पर शेयर यहाँ पर 4600 और आपको 4300 के आसपास मिल सकता है और अगर इस लेवल पे 1000 रुपए और नीचे ये शेयर मिलता है तो यहाँ पर चूकिएगा मत ये शेयर को लीजिएगा थोड़ा टाइम दीजिएगा ये शेयर रिबाउंड करेगा सबसे पहले तो आपके पैसे डबल करेगा और डबल के बाद यहाँ पर दस साल और देंगे तो ये करोड़पति बना के देगा तो ये शेयर सबसे पहला शेयर है इसके बाद हम दूसरे शेयर की बात करेंगे दूसरा शेयर है यहाँ पर एससीएल टैक एससीएल टैक आप देखेंगे तो एससीएल टैक यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ दो हजार सात में ये शेयर चौसठ रुपए पिछहत्तर रुपए के आसपास अस्सी रुपए के आसपास यहाँ पर चलता था गिरावट हुई गिरावट में ये शेयर उनतीस रुपए पच्चीस रुपए चौबीस रुपए के आसपास यहाँ पर आया तो लगभग कितना लगभग सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट ये शेयर गिरा बट उसके बाद एक बेहतरीन शेयर है तो अब ऑब्वियस बात है शेयर ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आज की डेट में भी अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है ओके चौदह सौ रुपए तक ये शेयर जाता हुआ नजर आया तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना और एस सी एल टैक बेहतरीन शेयर है आई के जितने भी शेयर है उनकी ऑर्डर बुक काफी बेहतरीन है जब ये शेयर भागते हुए नजर आएंगे तो याद रखिये यही शेयर है जो आपको यहाँ पर करोड़पति बनाते हुए नजर आएंगे और एक

शेयर को आपको क्या करना है बाई करना है तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है इसके अलावा ज्यादा देर ना करते हुए और तीन शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे इस सबसे पहले टीसीएस की टीसीएस में भी अगेन ओके okay, बातें रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर बस बात देखेंगे कि ये शेयर दो सौ चालीस रुपए पे चलता था गिरावट हुई एक सौ पे आया आधे से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया और यहाँ पर इसको भी यहाँ पर देखेंगे टी को तो ई किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए तेईस का एक और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है और यहाँ पर टीसीएस पे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि टीसीएस को आपको यहाँ पर किस लेवल पे खरीदना है टीसीएस मुझे कल की डेट में अगर ये इसका हाई निकालता है तो

जब यहाँ पर मार्केट भागेगी ये सबसे पहले रिबाउंड देंगे और शेयर यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे सबसे पहले अपने अपने और या 52 वीक हाई को क्रॉस करेंगे उसके बाद ऑल टाइम हाई को तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करीजिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस